हर एसटी को 3 एकड़ भूमि देनी थी, 3 एकड़ क्या 30 सेंटीमीटर भूमि भी आपने नहीं दी है। आपका वादा आज आपको याद कराने के लिए मैं आया हूं। बीसी कल्याण के लिए, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए हर साल 1000 करोड़ देना था, जरा 100 करोड़ भी दिया हो तो आप हिसाब किताब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करिएगा। भी शिक्षकों की भर्ती, प्राध्यापकों की भर्ती आप शायद भूल ही गए हैं। हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, वो भी नहीं बने, उल्टा उस्मानिया और गांधी अस्पताल की हालत आपने खस्ता हालत कर दी। आपने कहा था 73वें संशोधन को लागू कर पंच सरपंच को अधिकार देंगे, मगर आपको लगता है कि पंच सरपंच का मतलब बेटा और बेटी होता है। आपने आपके बेटे और बेटी को अधिकार दिया, पंच सरपंच अधिकार देने से आप भूल गए हैं। मित्रों, इस तरह से वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। मैंने मेरे जीवन में, 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं, 57 साल हो गए, मेरे जीवन में इतनी निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी है। मित्रों, ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है। तेलंगाना का युवा आगे आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को, तब जाकर आगे किसी को भी मालूम पड़ेगा, वादा खिलाफी नहीं कर सकते। मित्रों, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार बॉइल चावल नहीं खरीदती है। चंद्रशेखर राव जी, पूरी दुनिया को आप उल्टा पुल्टा समझा लोगे क्या? तेलंगाना की जनता बहुत अच्छे से जानती है, नरेंद्र मोदी सरकार आने से पहले चावल का समर्थन मूल्य 1340 रुपये था, इसको बढ़ाकर मोदी सरकार ने 1940 रुपया किया है, और 11 करोड़ छोटे किसानों को हर साल 1000 रुपया दिया है। बॉइल चावल का जहां तक सवाल है, मैं आपको नियम समझाने आया हूं। आप भारत सरकार को दोषी मत बनाइए, चाहे बाजरा हो, ज्वार हो, का हो, रागी हो, गेहूं और चावल के अलावे जितने पेरिफेरल क्रॉप है वो राज्य सरकारें खरीदती। बॉइल चावल को खरीदने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और आपको ऐसे नहीं बनता है, इस्तीफा दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब 1-1 किलो बॉइल चावल हम किसानों का हमारी राज्य सरकार खरीदेगी। आप खरीदना नहीं चाहते हो और आरोप मोदी जी पर डालते हो। मोदी जी ने अनेक काम तेलंगाना के लिए किए हैं। मित्रों, ये सरकार मोदी जी की योजनाओं के नाम बदलने के अलावे कुछ नहीं करती। मोदी जी ने समग्र शिक्षा अभियान करा, उन्होंने वही योजना को मोदी जी के ही पैसे से मनाउरू मना बड़ी कर आज उसका चेहरा बदल कर अपना फोटो चिपका कर, अपने बेटे का फोटो चिपका कर तेलंगाना के लोगों के सामने रखा है। क्या तेलंगाना के लोग नहीं जानते? वो जानते हैं, ये पैसा नरेंद्र जी ने भेजा है। 18,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए भेजा, आपने उसको हरी धर्म कार्यक्रम का नाम देकर आपकी और आपके बेटे की फोटो चिपका दी। तेलंगाना की जनता नहीं जानती है ये हरी धर्म कार्यक्रम आपका नहीं है, ये हरी धर्म कार्यक्रम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी नाम बदला, नाम बदलकर मकान तो दे दे, मकान भी नहीं दे पाए। मित्रों,
आज मैं एक बात बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहने आया, भारतीय जनता पार्टी का अपने विचारों और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर तेलंगाना राष्ट्र की जनता के सामने जाए। हमारे कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं युवाओं, आप इससे सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो क्या? ये चंद्रशेखर राव तेलंगाना को बंगाल बनाना चाहता है, आप बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? बनाने दोगे क्या? भाइयों बहनों उनको रोकना पड़ेगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर कहता हूं, यहां बोलकर जाता हूं, साईं गणेश को जो आत्महत्या करनी पड़ी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि साईं गणेश के हत्यारों को सजा दिलाई जाए, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। कब तक बचोगे? कितने साल बचोगे? एक दिन तो चुनाव के मैदान में आना ही है। और चंद्रशेखर राव जी, मैं आज कहकर जाता हूं, हर रोज फाइव स्टार फार्म हाउस में बैठकर योजना आते हो कि चुनाव जल्दी करा देंगे, जल्दी करा देंगे। अरे जल्दी क्या, कल करा दो। भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। हार आपकी, आपकी हार सामने की दीवार पर लिखी हुई सी निश्चित मैं पढ़ पाता हूं। मित्रों भारतीय जनता पार्टी ने तैयार रहना चाहिए। मित्रों आप मुझे बताओ, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, उसको सुनाई पड़े ऐसे? ये मजलिस वालों के डर से चंद्रशेखर राव धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? अरे हम मजलिस से भी नहीं डरते और आपसे भी नहीं डरते चंद्रशेखर राव। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 70 को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग बना हुआ है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये चंद्रशेखर राव ने जब आंदोलन चल रहा था, तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का वादा किया था या नहीं किया था? जोर से बोलो, किया था या नहीं किया था? मनाया क्या? मनाया? मनाएंगे भी नहीं, क्योंकि मजलिस से डरते हैं, वो मजलिस की गोदी में बैठे हुए, गोदी में। मगर युवाओं आप में दम है, आप में जोश है, आप में ताकत है। मजलिस और चंद्रशेखर राव दोनों को एक साथ उखाड़ कर फेंक दीजिए, हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम किसी से नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि निजाम और रजाकारों के अत्याचार से जिस दिन तेलंगाना को मुक्ति मिली, वो दिन न केवल तेलंगाना, न केवल निजाम का शासन कर्नाटक और महाराष्ट्र, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। मित्रों पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन, पर ये मनाने का काम हम करेंगे। मित्रों ये टीआरएस की सरकार का निशान क्या है? गाड़ी है ना,